क्या आप आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए हैं परेशान और कई बार आधार सेंटर के चक्कर काट लिए हैं, बार बार अपडेट करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका नाम में सुधार नहीं हो रहा है? तो मेरे भाइयों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आधार कार्ड में नाम परिवर्तन हम कितनी बार कर सकते हैं, इसके साथ अगर कई बार आधार कार्ड में नाम बदलवा लिया है तो लिमिट क्रॉस हो गया, अब उसमें हम स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके साथ ही पूरा नाम बदलवाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे ठीक होगा, तो सारे विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पांडे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, नाम में परिवर्तन या नाम में अपडेट की अगर बात करें तो UIDAI द्वारा गाइडलाइंस में इसको जो है लिमिट में बांध दिया गया है। नाम आप जो है पूरे जीवन में दो बार चेंज करा सकते हैं, वो भी माइनर नेम आप चेंज करा सकते हैं। अगर आपको फुल नेम चेंज कराना है उसकी प्रक्रिया अलग से है, तो अगर आपको माइनर नेम चेंज कराना है, उसमें टाइटल ऐड करवाना है या नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको बता दूं। उस डॉक्यूमेंट का उपयोग करके जो है आप अपने नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं। अगर मैं दस्तावेज की बात करूं तो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हाई स्कूल मार्कशीट, बैंक पासबुक और इसके साथ ही आप जाति और निवास प्रमाण पत्र का भी उपयोग करके अपने नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं। ये सारे परिवर्तन आपके छोटे परिवर्तन होंगे। अगर आपको फुल नेम चेंज या सरनेम में चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको दिक्कत आएगी, उसकी प्रक्रिया अलग है। अगर आपने कई बार नाम में परिवर्तन करवा लिया है और लिमिट क्रॉस हो गया है तो अब यह कैसे सही होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने दो बार से अधिक चांस यूज कर लिया है, भले ही नाम में आपका माइनर मिस्टेक, माइनर स्पेलिंग मिस्टेक रहा हो, लेकिन फिर भी वह लिमिट क्रॉस की श्रेणी में आएगा। इसको ठीक करवाने के लिए आपको गजेटेड पेपर, जो भारत का राजपत्र होता है, उस पर आपको जो है नोटिफिकेशन निकलवाना होगा, अधिसूचना जारी करवानी होगी। उसके बाद ही जो है, जब उस पर प्रकाशित होगा, उसके बाद ही आपका नाम चेंज होगा। अब गजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो मैं पर्टिकुलर आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जहां पर आप विजिट करके आप आसानी से जान पाएंगे कि वहां पर वो आपके पूरी प्रक्रिया करवा के गजेट नोटिफिकेशन आपको करवा के आपको दे देंगे। उसके संबंध में वो आपसे थोड़ा सा शुल्क चार्ज करते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। गजेट नोटिफिकेशन के लिए मोटा मोटा मैं बता दूं तो आपको सबसे पहले एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा, जिसमें आपको यह कारण, मैं भारत का नागरिक हूं, आपको यह कारण बताना होगा कि आप पूरा नाम चेंज क्यों करवाना चाहते हैं। इसके साथ अगर आप लिंग में परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी गजेट नोटिफिकेशन बनता है, तो इसमें आपको कारण बताना पड़ेगा, मैं भारत का नागरिक हूँ, अपना पूरा डिटेल देते हुए आपको जो है एफिडेविट तैयार करना है। इसके साथ ही दो न्यूज़पेपर में आपको उसको प्रिंट करवाना होगा, एक लोकल न्यूज़पेपर, एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको जो है दो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना होगा। इसके साथ आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और दिल्ली वाले एड्रेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट को सेंड कर देना होगा। यह प्रक्रिया आपका गजेट नोटिफिकेशन का 7 दिनों से लेकर 15 दिनों के भीतर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब आपका गजेट नोटिफिकेशन आपका प्रिंट हो जाता है तो आपको उनके वेबसाइट पर जाकर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है प्रयागराज या उसके आसपास के जिलों से संबंधित है और या आप जो है आधार सुपरवाइजर हैं, आधार ऑपरेटर हैं, और आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका जो है फुल नेम चेंज करना है और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा या आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करिएगा। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप किस प्रकार से उनका नाम जो है चेंज करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि गजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए आपको दो एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, साथ ही एक फ़ोटो देनी पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ में मैं बात करूं तो जो है POI में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा, इसके साथ एक फ़ोटो। हालांकि उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वो आपको जो है जब उनके चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आसानी से जो है उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बताया है कि गजेट नोटिफिकेशन कैसे तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप हमसे जो है हमारे सोशल मीडिया लिंक के द्वारा भी मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं पर्टिकुलर टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखे होंगे कि अगर मैंने DOB लिमिट क्रॉस पर वीडियो बनाई है तो कई बार जो है स्कैमर्स द्वारा कमेंट किया जाता है कि DP में नंबर है, अगर आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको जो है आपका लिमिट क्रॉस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको बता दूं, ये सब स्कैमर है, फ्रॉड है। ये आपसे जो है 1,000, 2,000 या 500 रुपए की मांग करेंगे, आपका मैं करवा के 2 से 3 दिनों में दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनके झांसे में ना आएं और ना ही इन्हें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत है, इन्हें आप इग्नोर करें, ठीक है। वैसे भी मैं फिल्टर करते हूँ, जो भी ऐसे कमेंट आते हैं मैं उनको हटाता रहता हूँ, फिर भी आप जो है सतर्क रहें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।